हेलो दोस्तों, मैं विनोद तिवारी और इस चैनल पर हम बात करते हैं अबाउट द मेंस लाइफस्टाइल एंड क्रिकेट। एक सैड सिनारियो, सैड न्यूज सामने आ रहा है। हार्दिक पांड्या हैज टुक टू ट्विटर एंड अनाउंस्ड कि हार्दिक पांड्या एंड नताशा दे आर गोइंग टू सेपरेट, उनमें डिवोर्स हो रहा है। एंड बुरा लगा सुन के यार, बुरा लगा बिकॉज ये बंदे ने पिछले कुछ महीने ऐसे निकाले हैं, थिंग्स हैव नॉट बीन फेयर। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे, बहुत सारा हेट मिला है इसको। एंड आई विल एडमिट मैं भी था उनमें से एक, मुझे भी पसंद नहीं आई थी जब रोहित शर्मा को हटाया था, तो इसने बहुत सारा हेट झेला है। लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन वेरी टफ। और इसी बीच में फिर ये डिवोर्स की बात, पहले लग रहा था रूमर्स है, ये इज जस्ट रूमर्स कमिंग आउट ऑफ nowhere, but अब समझ में आ रहा है कि it was all true. So a very sad scenario for Hardik Pandya यार। Separation हो रहा है और अभी T20 squad जो announce हुई है उसमें I was expecting Hardik Pandya to be the captain. I felt he had an edge over Surya, but Surya has been selected as the captain. So, दो फ्रंट्स पे सेटबैक है हार्दिक पांड्या के लिए। एक तो डिवोर्स, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, कैप्टनसी तो ठीक है लेकिन इवन दैट इज अ सेटबैक नॉनदलेस। सो ट्विटर पे ही हैज रिटन दैट आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज वी हैव म्यूचुअली अग्रीड टू सेपरेट आर वेज। सो व्हाट टू से मैन, ये बंदे का बुरा टाइम खत्म ही नहीं हो रहा है तब से। इतना बड़ा अचीवमेंट था वर्ल्ड कप में व्हाट ही डिड फॉर टीम इंडिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। आफ्टर द सेटबैक उसका माइंडसेट, मेंटल टफनेस पता चलती है ऐसे टाइम पे बंदे की यार, बिकॉज बहुत हेट झेला है उसने, बहुत हेट झेला है। इन माय ओपिनियन बहुत सारा अनड्यू भी था थोड़ा सा, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैंस वर बायस्ड टुवर्ड्स रोहित शर्मा। वैसे रोहित शर्मा का वो एग्जिट नहीं होना चाहिए था मुंबई इंडियंस टीम से। मुंबई इंडियंस से कैप्टेंसी जो थी उसकी ग्रेसफुली होनी चाहिए थी। आई फील अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस टीम में आ भी रहे थे तो भी उनको वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था और रोहित शर्मा को पोल कर एक साल की कैप्टेंसी करने दी जा सकती थी। तो ये सब फसाड होता ही नहीं। बट यू नो द मैनेजमेंट ऑफ मुंबई इंडियंस हैड अदर आइडियाज, तो वो दैट डिडंट गो डाउन वेल विद द मुंबई इंडियंस फैंस। और then we saw what happened and target banta hai Hardik Pandya. So anyways, commiserations to Hardik Pandya yaar. You are a tough guy, stay tough, hold your head high, you've done good things. This is sad yaar, but kya kar sakta hai. But he's a tough guy, he'll recover from this, I'm sure. So that's it yaar, yahi tha video. Like sad scenario when it comes to Hardik Pandya, but he's a tough guy and he'll definitely prevail this. So, theek hai yaar, hota hai, life hai. I'm sure he'll carry on tough. So, chalo yaar, this is it for the video. Hope to see you in another one. In the meanwhile, this is VK signing off, guys. Bye bye. Take care.